वेलकम टू माय चैनल सुनीता क्रिएशंस में आपका स्वागत है। आज हम आपको गेहूं के आटे और गुड़ से लड्डू बनाने की रेसिपी बताएंगे और इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल के हमने इसे बनाए हैं। तो इसे बनाना फिर शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ हमने लड्डू बना के रखे हैं, तो इसे हम बनाना शुरू करते हैं। लड्डू बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ देखिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, मखाना है, किशमिश और यह खसखस, इसे पोस्ता दाना भी बोलते हैं, और यह गोंद है, यह देख सकते हैं, और यह देखिए कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, यहाँ काजू है, बादाम है, और यह अखरोट है, और यह गुड़ है। और इसके साथ हमने यह आटा, हमने 250 ग्राम आटे में हमने 150 ग्राम जो है गुड़ लिया है, और थोड़ा सा घी, घी में इसे आपको बनाना है, घी में ही लड्डू बनती है तो बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो इसे हम बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में घी डालेंगे, थोड़ा सा घी लेना है। इसमें हमें ड्राई फ्रूट्स को हल्का हमें इसे थोड़ा भून लेना है, ज़्यादा लाल नहीं करना है हमें। इसे हमें ज़्यादा लाल नहीं करना है, हल्का रोस्ट कर लेना है। किशमिश और काजू बादाम को भी हल्का रोस्ट करना है। अब गोंद को हमें थोड़ा थोड़ा डालकर घी में भूनना है। ठंड के मौसम में यह लड्डू जरूर बनाएं, क्योंकि गोंद जो है हमारे बॉडी को गर्म रखता है, इसलिए इस ठंड के मौसम में गुड़ और गोंद के लड्डू तो जरूर बनाने चाहिए और खाने चाहिए। यह देखिए हमारा यह बिल्कुल फूट गया है। नेक्स्ट में हम पोस्ता दाना को हल्का भून लेंगे। हम पोस्ता दाना को भी निकाल लेंगे धीरे धीरे। हमारा ड्राई फ्रूट्स जब तक ठंडा हो रहा है तब तक हम आटा जो है इसे भून लेते हैं। यहाँ हमने घी डाला है, यह 4 टेबल स्पून घी है। अब इसमें हम आटा डाल के इसमें हम भून लेंगे। इसे हल्का ब्राउन होने तक भूनते रहना है और इसे चलाते रहना, नहीं तो यह नीचे चिपक जाएगी। हमारा आटा जो है देखिए ब्राउन हो गया है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हमारा ड्राई फ्रूट ठंडा हो गया है। गोंद को हमें नहीं ग्राइंड करना है और ना ही पोस्ता दाना को, सिर्फ मखाना, किशमिश और ये बादाम को जो है हमें इसे थोड़ा ब्लेंड कर लेना है। गोंद को देखिए थोड़ा थोड़ा हमें
ये कूटने वाली है, इसमें डाल के हमें हल्का हल्का जो है इसे चूर लेना है इस तरीके से। इसे ज़्यादा हमें नहीं चूरना है, इस तरीके का आपको दिखेगा। यहाँ देखिए इस तरीके का हमें बनाना है। सभी को हम इसी तरीके से कर लेते हैं। ये हमने इसे थोड़ा छोटा टुकड़ा चूर लिया है सारे गोंद को, और यह हमारा ड्राई फ्रूट्स भी इसे हमने ब्लेंड कर लिया है और इसमें मिक्स कर देना है। पोस्ता दाना को हमें नहीं करना है, इसे कुछ भी नहीं करना है। और इसमें हम आटा में डाल देंगे, पोस्ता दाना भी डाल देंगे। इलायची पाउडर डालना है, फिर इसमें गुड़ भी डाल देना है। ये गुड़ हमने पहले से छोटे छोटे टुकड़े करके रखे थे। सारे चीज़ों को हमें मिक्स कर देना है। थोड़ा ठंडा होने के बाद हम हाथ से हम मिक्स कर देंगे। अब देखिए यह बिल्कुल ठंडा हो गया है, हाथ से छूने लायक हो गया है। तो इसे हम धीरे धीरे अच्छे तरीके से इस तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि गुड़ जो है आटे में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। देखिए अब देखिए हमारा यह जो है हल्का हल्का यह गर्म है, तो हम इसमें घी यहाँ ऊपर से बांधने के पहले जो है घी हम इस तरीके से डाल देंगे, तो हमारा बहुत अच्छा जो है यह इसे अच्छी तरीके से हम मिला देते हैं तो अच्छा इसमें खुशबू आएगा और अच्छी तरीके से बन भी जाएगा। देखिए आपस में सभी चिपक रहा है। इस तरीके से हम इसे दाब देते हैं, फिर एक तरफ से जो है हम धीरे धीरे, ये देखिए ये हाथ हम इस तरीके से रखेंगे और इस पे हम दूसरे हाथ से जो है दबाते जाएंगे, लड्डू के शेप देते जाएंगे। देखिए बिल्कुल लड्डू के शेप में बनके तैयार हो गया, देख सकते हैं आप बिल्कुल भी नहीं टूट रहा है। इसी तरीके से जो है सारे लड्डू को हम बना लेंगे। इसे आपको हल्का थोड़ा दबा के लड्डू को सेट करना है। देखिए छोटा बड़ा जिस शेप में आप देना चाहते हैं, बड़ा भी बनाएं छोटा भी बनाएं। आप इसे किसी डब्बे में बंद करके रख दें तो यह 15 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है इसकी टेस्ट। आप चाहें तो इसे पंजीरी भी बना के खा सकते हैं, इसे बिना लड्डू बनाए भी आप रख दें डब्बे में और इसे थोड़ा थोड़ा खाएं। हमारा लड्डू बनके तैयार हो गया है, देखिए गोल गोल। और यह गुड़ के साथ हमने बनाया है गेहूं के आटे में, यह बहुत ही पौष्टिक लड्डू है। और ठंड में तो इसे ज़रूर बनाएं और खाएं, और मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।